पहला तिमिथियुस 4 अध्याय के 1 वचन में लिखा हुआ है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमानोली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, क्योंकि आज के संसार में शैतानी दुष्ट आत्माएं अपना तीर मसीहों के ऊपर चला रही हैं और उसे वेध कर चली जाती हैं। वो शैतान जो स्वर्ग में एक दूसरे के ऊपर दोष लगाया करता था और परमेश्वर ने और वह परमेश्वर का सिंहासन छीनना चाहता था और परमेश्वर ने उसे और उसकी सारी सेना को परमेश्वर ने नीचे पृथ्वी पर गिरा दिया था, फेंक दिया था। और वही सारी शैतानी दुष्ट आत्माएं बन गई हैं जो इस संसार में अपनी जगह बनाकर बैठ गई हैं और आज सारा का सारा संसार सुदुष्ट की आराधना कर रहा है और आज सारा का सारा संसार सुदुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, जिसे परमेश्वर ने अपने स्वर्ग से नीचे लात मारकर फेंक दिया था। जब तक आपके अंदर वचन नहीं होगा तब तक आप शैतान को नहीं हरा पाओगे किसी भी तरीके से। और अंत का दिन चल रहा है। शैतान का एक ही मकसद है, अपने 7 लाखों करोड़ों आत्माओं को नरक में ले जाना। और शैतान अपना तीर बड़ी जोरों से मसीहों के ऊपर बड़ी जोरों से चला रहा है और हमारे मसीही नौजवान उस शैतान की जाल में फंस जाते हैं और वह मसीह उस शैतान की जाल से निकलना तो चाहते हैं पर निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर वचन ना होने के कारण, वचन की गहराई ना होने के कारण वह मसीही पाप में गिर जाता है, इसलिए पौलुस ने भी अपनी पत्री में साफ कहा है, जैसे फिसियो 6:11 से 17 तक पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। परमेश्वर के सारे तेरे बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मन युद्ध लहू और मांस से नहीं है। वचन साफ बता रहा है मेरे प्रियो, हमारी लड़ाई मसीह भाइयों से नहीं है बल्कि शैतानों से, उन शैतानों से जो आकाश में हैं, जो आपको निरंतर पाप कराने के लिए मजबूर कर देती हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की झिलम पहन कर और पांव में मेल के सुषमाचार की तैयारी के जूते पहन कर और उन सबके साथ स्थिर रह सको, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलती हुई तीरों को वचन से बुझा सको आसानी से। और उद्धार का टोपर आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तो आप जान ही गए होंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शैतान को भैया तलवार से लड़ाई करके नहीं हराया जा सकता है, सिर्फ उसको वचन से हराया जा सकता है, सिर्फ वचन से। अगर इस समय में मेरे मसीह भाई बहन कहेंगे कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, और शैतान से पाप करवा के बड़ी आराम से चला जाता है, मेरी बात को याद रखना, जिस दिन अचानक आपकी डेथ हो गई, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ होगा और आप इसी तरह अपना जीवन बिताते जा रहे हैं, अगर किसी दिन अचानक आपकी मृत्यु हो गई तो आपको हमेशा हमेशा के लिए नर्क में जाना पड़ जाएगा, मैं हर वीडियो में आपको यही बता रहा हूँ। कब तक पाप करते रहोगे हे मेरे प्रियो, कब तक पाप करते रहोगे? पाप करके यीशु का लहू व्यर्थ मत करो, पाप करके परमेश्वर को क्रूस पर बार बार मत चढ़ाओ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर पवित्रता के कारण महाप्रतापी है, परमेश्वर न्यायी है और दयावंत भी है, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। इसलिए समय रहते हुए गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर के पास लौटाओ मेरे प्रियो, मैं हर वीडियो में यही बता रहा हूँ। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों के पास शेयर जरूर कर देना। आप सभी को जय मसीह की।